हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। ये हमारे पास मर्सिडीज की C250 है, CDI W204। इसके अंदर ABS की लाइट आ रही है, आप देख सकते हो। इसके क्लस्टर के अंदर ABS का माल फंक्शन आ रहा है। तो हमारे पास लॉन्च स्कैनर है, इससे हम आज स्कैन करेंगे। मर्सिडीज बेंज के अंदर जाना है। इसका फॉल कोड देखेंगे, आज हम ऑटोमेटिक सर्च करेंगे। फॉल कोड देखने के बाद उसका डेटा स्ट्रीम निकालेंगे। हेल्थ रिपोर्ट नहीं मारेंगे, सिस्टम सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि अगर हेल्थ रिपोर्ट मारने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा इसके अंदर और वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्रामर, जैसा आप देख सकते हो, N30 इग्निशन ऑन है हमारा। रीड फॉल कोड करेंगे। इसके अंदर चार फॉल कोड आ रहे हैं, द सिग्नल कंपोनेंट L6 लेफ्ट फ्रंट एक्सल RPM सेंसर इम्पॉसिबल वैल्यू फॉर RPM सेंसर फ्रंट एक्सल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वी आर कैनवस इम्पॉसिबल। ओके, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसको बैक आएंगे, डेटा स्ट्रीम में जाएंगे, विल स्पीड सिलेक्ट ऑल ओके करेंगे। अब मैं गाड़ी गैराज पे खड़ी है, मैं आपको गाड़ी रन करके इसका डेटा दिखाता हूँ। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि गाड़ी ड्राइव चल रही है और 40 की स्पीड में, और लेफ्ट फ्रंट एक्सेल RPM सेंसर का डेटा नहीं आ रहा है। जीरो आ रहा है उसका, बाकी का और तीन जो सेंसर है बाकी के, फ्रंट रियर, रियर लेफ्ट, रियर राइट, उसके आ रहे डेटा। तो अब हम इसका लेफ्ट साइड का टायर खोल के देखते हैं कि सेंसर फॉल्टी है या वायरिंग का प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपसे कहा था कि इसका मर्सिडीज का हम लेफ्ट साइड का टायर ओपन करेंगे, तो ये गाड़ी का दूसरा भी काम था, सर्विसिंग भी था, तो इसका डिश वीस जो होता है तो वो डिश पॉलिशिंग के लिए गया है। तो इसका ये जो सेंसर है, ये आप देख सकते हो इधर, ये जहाँ मेरा हाथ है, ये इसका बोल्ट है 10 mm का, और ये जो इसका सेंसर है ये देख सकते हो आप, और ये इसका वायर गया हुआ है। तो ये हम देखेंगे ये वायरिंग कहीं से कटा तो नहीं है, तो मुझे ये कवर इसका खोलना होगा। ये जो कवर है, फेंडर लाइनिंग जिसको कहा जाता है, ये मैं खोल के देखता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसका जो ये सेंसर है, ये सेंसर का ये जो वायर जा रहा है, तो ये इसका सॉकेट है। मैंने यहाँ का ये कवर खोल दिया और ये सॉकेट इधर लगता है यहाँ इस जगह पे। तो मैंने ये सॉकेट तो निकाला और मैंने फिर वायरिंग तो मुझे किधर कटा हुआ दिख नहीं रहा सेंसर का, फिर ऊपर का कवर खोला मैंने, जहाँ ये जो कवर होता है वो यहाँ फिट होता है, तो मैंने यहाँ से ये कवर खोल दिया। और उसके बाद जब इधर भी देखा तो इधर उसका जो सॉकेट आ रहा है, वो सॉकेट भी इधर मुझे कहीं वायरिंग कटा हुआ दिख नहीं रहा। तो एक बार हम ये चीज़ कर सकते हैं कि इसका राइट साइड का सेंसर है, हम वो उसका एक बार रीडिंग ले लेते हैं। राइट साइड का सेंसर लेफ्ट साइड लगा के देखेंगे और लेफ्ट साइड का सेंसर राइट साइड लगा के देखेंगे, तो हमें कंफर्म हो जाएगा सेंसर फॉल्टी है क्या। अगर राइट साइड का सेंसर अगर हम लेफ्ट साइड में लगाते हैं और लेफ्ट साइड में उसका रीडिंग आता है, और लेफ्ट साइड का सेंसर अगर हम राइट साइड में लगाते हैं तो भी उसका रीडिंग नहीं आता है, तो सेंसर फॉल्टी है इसका मतलब, तो वो करके देख लेते। तो फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको कहा था कि लेफ्ट साइड का जो सेंसर है वो मैं इधर राइट साइड में लगाऊंगा, और ये राइट साइड का एरिया है, ठीक है, ये राइट साइड का जो एरिया है, मैंने लेफ्ट साइड का सेंसर मैंने राइट साइड में लगाया है, ये आप देख सकते हो।
मैंने यहाँ लगा दिया है और लेफ्ट साइड में राइट साइड का सेंसर लगा दिया है। और अब हम इसको स्कैनर के थ्रू हम इसका डेटा देखेंगे। देख सकते हो आप, दिख रहा है आपको? अब मैं इसका ये जो राइट साइड का ये इसका व्हील है, मैं इसको रोटेट करूंगा तो हमें दिख जाएगा। तो मैं इसको घुमा रहा हूं, देख सकते हो आप, बट इधर कोई मैसेज नहीं आ रहा, कोई डेटा नहीं आ रहा है वहां से। और दानिश भाई घुमाइए जरा आपके साइड का, लेफ्ट साइड का, देख सकते हो आप लेफ्ट साइड का घुमाने पे व्हील इधर डेटा आ रहा है। बस 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 करिए। तो ये अभी हमें कंफर्म हो गया कि जो इसका ये सेंसर है, ये सेंसर फॉल्टी है। तो अब हम इसका इसका चेसी नंबर जो वी नंबर होता है, वी नंबर के हिसाब से सेंसर आता है। तो हम इसका नया सेंसर मंगाएंगे जो ओरिजिनल होगा मर्सिडीज का, और उसको हम रिप्लेस कर देंगे। और जो लेफ्ट साइड का सेंसर था उसको जो मैंने राइट साइड में लगाया था, और राइट साइड का जो था लेफ्ट साइड में लगाया था, तो हम क्या करेंगे इसको ओरिजिनल पे कर देंगे। जो लेफ्ट साइड में सेंसर लगा हुआ है उसको हम राइट साइड में लगा देंगे, और लेफ्ट साइड हम नया सेंसर रिप्लेस कर देंगे।